Assalamu alaikum students, how are you all? Today our topic is exercise 1C, word problems. Now question number 10. A student pays rupees 100,000 and 23,000 annually to the school. अब एक स्टूडेंट है जो 100,000 एंड 23,000 जो है वो स्कूल को एनुअली पे करता है, सालाना पे करता है. हाउ मच डज ही पे मंथली, वो महीने में महीने में कितने फीस जमा करवाता है, कितने अमाउंट सबमिट करवाता है, वो हमने बताना है. एनुअली बताई हुई है हमें, सालाना बताई हुई है हमने, महाना बतानी है कि मंथली वो कितनी पे करता है. अब हम करेंगे इसे डिवाइड, क्योंकि हमने एक चीज़ मालूम करनी है, वन मंथ की फ़ी मालूम करनी है. सॉल्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ स्टूडेंट पेज एनुअली रुपीज़ 100,000 एंड 23,000. हाउ मच ही पेज मंथली, वो महाना कितने अमाउंट पे करता है. तो अब हम इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे. हमें किसी भी अमाउंट की मंथली पता करनी हो तो हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं. अगर हमें उनकी सालाना मालूम करनी हो तो हम उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें वन मंथ की मालूम करनी है, सालाना हमें दी हुई है. 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम. 12 वन ज़ा 12, 3 आया नीचे. अब क्योंकि 3 सिंगल अमाउंट है, सिंगल डिजिट है, तो हम 0 को भी नीचे लेके आएंगे. बट हम जब एट अ टाइम हम दो डिजिट नीचे लेके आते हैं तो हम ऊपर आंसर में 0 लगाते हैं. तो अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 30 बन जाएगा. 12 2 ज़ा 24, 30 में से 24 माइनस करें, 6, 0 हमारा नीचे आएगा, 60 बन जाएगा. 12 5 ज़ा 60, और ये 0 जो एक्स्ट्रा था वो हमारा आंसर में चला जाएगा. इस तरह हमारी डिवीजन हो गई है कंप्लीट. और हमारे पास क्या आंसर आया है, हमारे पास आंसर आया ही पेस मंथली. तो वो मंथली क्या पे करता था, 10,250. ये इतनी मंथली वो फी सबमिट करवाता था स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स, अगर एक बंदे के पास 25 शॉप्स हैं, 25 दुकानें हैं, ईच वर्थ रुपीज़ 600,000 55,000, अगर उसकी एक दुकान की जो अमाउंट जो है वो इतनी है, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स. तो ये 25 शॉप्स की कितनी अमाउंट उसकी बनती होगी. वन शॉप की अमाउंट उन्होंने हमें बताई हुई है कितनी है, और टोटल शॉप्स कितनी हैं, 25 हैं. तो हमने इसके 25 शॉप्स के अकॉर्डिंग उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है, ज़्यादा चीज़ें मालूम करनी है. तो अब हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सॉल्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 11. अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स, पर्सन के पास कितनी है, 25 शॉप्स हैं. ईच वर्थ, उसकी हर उसकी एक शॉप की कितनी, 600,000 55,000 है. टोटल कॉस्ट हमने बताना है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. 25 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 0 ज़ा 0 5 0 ज़ा 0 5 0 ज़ा 0 5 5 ज़ा 25, 5 लगा 2 कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 25 में ये 2 प्लस करें तो 27, 5 6 ज़ा 30 30 में ये 2 प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 32. नेक्स्ट मल्टीप्लाई साइन आएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं अब. 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी. 2 5 ज़ा 10 10 में ये 1 प्लस करें जो कैरी था वो 11 बन जाएगा, 1 इधर कैरी आ जाएगा. 2 6 ज़ा 12 12 में ये 1 जो कैरी है ये प्लस करें तो हमारे पास क्या अमाउंट बन जाएगी, 13. अब हम ये मल्टीप्लाई किए हुए वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 0 5 7 3 6 1. ये हमारी अमाउंट आ गई जो उसको 25 शॉप्स की अमाउंट आती है. जो पर्सन के पास 25 शॉप्स हैं, एक शॉप की अमाउंट हमें बताई हुई थी, हमने 25 शॉप्स की अमाउंट मालूम की तो वो कितनी बनती है, वो हमारे पास आंसर आ गया. स्टूडेंट्स डू होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 1C, वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9. थैंक यू.